हरि की भूमि हरियाणा की सांस्कृतिक यात्रा के अगले पड़ाव में हम आ पहुंचे हैं सरस्वती नदी के प्राचीन तट पर स्थित उस तीर्थ पर जो देवी के 52 शक्तिपीठों में से एक है। ये हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ है जिसे श्रद्धालु मां भद्रकाली मंदिर के नाम से जानते हैं। मेन मार्केट से निकलकर सड़क के किनारे ही ये मंदिर स्थित है। बड़े से स्वागत द्वार से आगे निकलकर जो दृश्य दिखता है वो एक भक्त को परम शांति देने वाला है। सुंदर तरीके से सजाया गया रास्ता जहां से मां के मंदिर का भव्य शिखर पूरे मंदिर प्रांगण की भव्यता में चार चांद लगाता है। सरस्वती नदी के प्राचीन तट पर स्थित इस तीर्थ के निकट से कई पुरातात्विक संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे इस तीर्थ की प्राचीनता सिद्ध होती है। मंदिर परिसर में हुई खुदाई से एक मिट्टी के बने टखने के मिलने से भी तीर्थ की प्राचीनता के प्रमाण मिलते हैं। देखा जाए तो ब्रह्म सरोवर के बाद अगर सबसे ज्यादा लोग कहीं आते हैं तो वो यही पवित्र मां का दरबार है। वैसे तो लोग प्रतिदिन यहां आकर मां के दर्शन करते हैं, लेकिन शनिवार को यहां अलग ही रौनक होती है। इसके अलावा हर वर्ष दोनों ही नवरात्रि को इस तीर्थ पर मेला लगता है, जिसमें हरियाणा तथा देश के अनेक भागों से आए श्रद्धालुगण मां भद्रकाली की पूजा अर्चना कर पुण्य के भागी बनते हैं। हम लोग आसाम से यहां कुरुक्षेत्र आए। हमारा सशस्त्र सचंडी कराने का काफ़ी दिनों से मन में था, तो हमारे गुरुजी है श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री उत्तम स्वामी जी, उनका आदेश हुआ कि कुरुक्षेत्र में शक्तिपीठ है, भद्रकाली जी का मंदिर है, वहाँ कराना है। तो हम उसके पहले कभी भी कुरुक्षेत्र आए नहीं। हमें यहाँ एक अलग सी ऊर्जा मिली और ये शहर हमारे लिए एकदम नया था, तो हमें कोई भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हो रही है, सब अपने आप हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं माँ की कृपा है, माँ खड़ी है, ऐसा हमें एहसास हो रहा है। एक बार देवी सती अपने पति भगवान शंकर की सलाह को नजरअंदाज कर अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ स्थल पर बिना बुलाए ही चली जाती हैं और वहां उनके पिता द्वारा उनके पति का निरादर देख उसी यज्ञ कुंड में अपने आप को समर्पित कर लेती हैं। जब महादेव ये दृश्य देखते हैं तो क्रोधाग्नि में वो सती के मृत शरीर को उठाकर तांडव करने लगते हैं और फिर सृष्टि के पालन भगवान श्री विष्णु सृष्टि को बचाने हेतु अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत शरीर के 52 टुकड़े कर देते हैं और वो टुकड़े जहां जहां गिरे वहीं शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। आज हम जहां उपस्थित हैं यहां मां सती के दाएं पैर का टखना गिरा था। श्रद्धा, प्रेम और विश्वास का आध्यात्मिक केंद्र हरियाणा का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर झांसा रोड कुरुक्षेत्र माँ सती के 52 शक्तिपीठों में शोभायमान है। जब दक्ष प्रजापति ने कनखल में बृहस्पति शिव नाम का यज्ञ रचाया, सती उनकी पुत्री बिना बुलाए अपने पिता के घर चली गई। आदर सम्मान नहीं हुआ, भगवान शंकर का निरादर हुआ तो भगवती सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। उस शव के प्रति मोहग्रस्त होकर के भगवान शंकर उन्मत्त अवस्था में, पागलों की अवस्था में कंधे पर उठाए हुए सती के शव को ब्रह्मांड का विचरण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शव को 52 हिस्सों में विभाजित किया मोह लीला दूर करने के लिए। कुरुक्षेत्र में सती का दाया टखना गुल्फ विराजमान है। इस तीर्थ का संबंध महाभारत से भी है।
कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के पूर्व भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडवों ने यहाँ अपने विजय की कामना से माँ की आराधना की थी और युद्ध में विजय के पश्चात पांडवों ने पुनः इस पीठ पर आकर भगवान जगदम्बा की आराधना कर अपने श्रेष्ठ अश्व माँ भद्रकाली को भेंट किए थे, इसलिए ये परंपरा चल पड़ी और आज भी अपनी मनोकामनाओं के पूर्ण होने पर भक्तजन यहाँ मिट्टी एवं धातु से बने हुए घोड़े माँ भद्रकाली को अर्पित करते हैं। कई बार तो श्रद्धालु असल के घोड़े भी चढ़ाकर जाते हैं। हर वर्ष नवरात्रि में तीर्थ पर मेला लगता है। इस समय माँ के इस आंगन को बहुत सुंदर रूप से सजाया जाता है। चारों तरफ माँ की ऊर्जा से सजीव से लेकर निर्जीव तक सब कुछ बहुत ऊर्जावान लगते हैं, जिसमें हरियाणा तथा देश के अनेक भागों से आए श्रद्धालुगण माँ भद्रकाली की पूजा अर्चना कर पुण्य के भागी बनते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन संस्कार हुआ, ऐसी भी मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में यहाँ पर युद्ध का घोड़ा दान किया और आज भी लोग मनोकामनाएं करते हैं, माँ भद्रकाली के भेंट स्वरूप यहाँ घोड़ा दान करते हैं। यहाँ वामन पुराणों के अनुसार कुरुक्षेत्र के 7 नदियों का, 7 वनों का और 4 कुओं का वर्णन मिलता है, जिसमें सरस्वती, हिरण्यवती, आपका, कैशकी, दृश्यवती नदियों का वर्णन है। काम्बेक, फलकु, मधुवन, शीतवन, सूर्यवन इत्यादि वनों का वर्णन है। और इसी प्रकार देवीकूप, रुद्रकूप, विष्णुकूप और चंद्रकूप 4 कूपों का वर्णन है। देवीकूप में माँ सती का दायां टखना सरस्वती के तट पर विराजमान है। भद्रकाली मंदिर माँ देवी काली को समर्पित है। भद्रकाली शक्तिपीठ सावित्री पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। भद्रकाली मंदिर में देवी काली की प्रतिमा स्थापित है और मंदिर में प्रवेश करते ही बड़ा कमल का फूल बनाया गया है, जिसमें माँ सती के दाएं पैर का टखना स्थापित है। ये सफेद संगमरमर से बना है। माँ भद्रकाली शक्तिपीठ जो हमारे हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ है, इसमें जो माता विराजमान है, भद्रकाली स्वरूप है काली माता का, सर्वशक्तिशाली माता हैं और हम बस माता के चरणों में नतमस्तक हैं। जब भी हमने झोली फैलाई है, माता ने झोली भरी है हमारी। और यहाँ इस पावन शक्तिपीठ में कृष्ण जी और बलराम जी का मुंडन संस्कार भी हुआ था, तो देखिए माता ने खुद ही बुलाया है हमारी कन्या को, माता रूप कन्या को, इसका मुंडन संस्कार भी यहाँ करवाएंगे, माता के चरणों में आशीर्वाद दिलवाएंगे कि माता सदैव हमारी जो आने वाली पीढ़ी है और हम पे ऐसे कृपा बनाए रखें और आसपास सब सुख शांति बनाए रखें। आप मंदिर परिसर में देखेंगे माता की मूर्ति को देख के ही एक जो माता का सौम्य रूप है और जो वर मुद्रा माता की है, उससे ऐसे लगता है कि ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो पवित्रता बढ़ चुकी है, हमें वो आशीर्वाद माता का मिल चुका है। और जैसा कि मैंने कहा, जब भी माता से मुराद मांगी है, माता ने पूरी करी है। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि वो भी माता रानी के दरबार में आए और अपनी हर मनोकामना जो है माता को बताएं। माता आशीर्वाद देगी, जितना मांगेंगे उससे भी ज़्यादा देगी। ये ऐतिहासिक मंदिर हरियाणा की एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ है, जहाँ माँ भद्रकाली शक्ति रूप में विराजमान है। वामन पुराण व ब्रह्म पुराण आदि ग्रंथों में कुरुक्षेत्र के संदर्भ में 4 कूपों का वर्णन आता है, जिसमें चंद्रकूप, विष्णुकूप, रुद्रकूप व देवीकूप है। रक्षाबंधन के दिन श्रद्धालु अपनी रक्षा का भार माता को सौंपकर रक्षा सूत्र बांधते हैं। मान्यता है कि इससे उसकी सुरक्षा होती है। माँ शक्तिपीठ में विशेष उत्सव के रूप में चैत्र व अश्विन के नवरात्र बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं।
संस्कृति, सभ्यता और विरासत की इस यात्रा में अब हम जिस स्थान पर आ पहुंचे हैं वो महाभारत एवं पुराणों में वर्णित कुरुक्षेत्र का ये पावन तीर्थ थानेसर शहर के उत्तर में स्थित है। इस तीर्थ का सर्वप्रथम उल्लेख बौद्ध साहित्य में मिलता है। महागंग ग्रंथ में थूणा नामक ब्राह्मण गांव का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ में थूण तथा उपस्थूण नामक ब्राह्मण गांवों का उल्लेख है। कालांतर में थूण नामक ये स्थान स्थाणु तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। वामन पुराण में इसे स्थाणु तीर्थ कहा गया है, जिसके चारों ओर हजारों लिंग हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। पूर्व काल में जो भी बड़े बड़े महर्षि थे, सप्तऋषियों में बहुत से यहाँ उनके गुरुकुल थे, क्योंकि इसको माना गया ज्ञान की गंगा के रूप में इसका माना गया, क्योंकि सबसे प्राचीन नदी अगर कोई है तो वो सरस्वती है। तो ये सरस्वती के तट पर हम यहाँ पर लोकोक्ति में ये कहा जाता है कि 48 कोस की भूमि बहुत पवित्रतम है। यहाँ पर ऋषि मुनियों के अतिरिक्त स्वयं भगवान शिव भी यहाँ पर काशी जी से आए थे, और उसके साथ साथ में बलराम जी और बहुत बड़े बड़े ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, शुक्राचार्य और भी बहुत से ऋषियों ने यहाँ आकर के इस पावन धरा का सेवन किया, यहाँ पर अपने आश्रमों की स्थापना की, गुरुकुलों की स्थापना की और यहाँ से ज्ञान का प्रवाह हुआ। कहा जाता है कि स्वयं प्रजापति ब्रह्मा ने यहाँ स्थाणु लिंग विग्रह की स्थापना की थी। वामन पुराण में स्थाणु तीर्थ के चारों ओर अनेक तीर्थों का वर्णन आता है। इस तीर्थ के चारों ओर विस्तृत एक वट वृक्ष का उल्लेख मिलता है, जिसके उत्तर में शुक्र, पूर्व में सोम, दक्षिण में दक्ष और पश्चिम में स्कंद तीर्थ है। स्थाणु तीर्थ के नाम पर ही वर्तमान थानेसर नगर का नामकरण हुआ, जिसे प्राचीन काल में स्थाणेश्वर कहा जाता था। महाभारत के शल्य पर्व के अनुसार इस तीर्थ पर भगवान शिव ने घोर तप किया था। मां सरस्वती की पूजा के उपरांत उन्होंने इस तीर्थ की स्थापना की थी। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण सहित पांडवों ने इस स्थान पर स्थाणेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर उनसे युद्ध में विजय होने का वरदान प्राप्त किया था। ये भगवान स्थाणु का मंदिर है, ये स्थाणेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। ये ऐसा बावन पुराण के मतानुसार, अन्य पुराणों के मतानुसार सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा जी ने इस लिंग की पुरोहित के रूप में स्थापना की। भगवान विष्णु ने उस लिंग का यहाँ स्थापन विधिवत एक यजमान के रूप में किया, और उसके बाद में उसी पुण्य स्मृति में यहाँ कोटिस लिंगों की स्थापना की गई। जितने भी ऋषि मुनि देवता यक्ष गंधर्व आए हुए थे, सभी ने अपने अपने यहाँ आने की स्मृति में यहाँ एक एक लिंगों की स्थापना की। तो ऐसा कहा गया है जो भगवान शिव हैं, ये तंत्रों में भी इसका वर्णन है, विभिन्न और भी ग्रंथों में भगवान स्थाणु का वर्णन है। थानेसर के वर्धन साम्राज्य के संस्थापक पुष्यभूति ने अपने राज्य श्रीकंठ जनपद की राजधानी स्थाणेश्वर नगर को ही बनाया था। हर्षवर्धन के राजकवि बाण भट्ट के द्वारा रचित हर्षचरितम महाकाव्य में स्थाणेश्वर नगर के सौंदर्य का अनुपम चित्रण मिलता है। स्थाणेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार में मराठों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है।
कहा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले मराठों ने यहाँ के अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था, जिनमें से ये मंदिर भी प्रमुख है। लेकिन इसका निर्माण महाराज पुष्यभूति ने ही करवाया था। तो ये जो आप यहाँ देख रहे हैं शिव जी का, आपने मंदिर देखा होगा, ये जो है अनादिकाल से आया है। इसको कुछ आताताइयों ने, बीच में जब हमारे यहाँ विधर्मियों का साम्राज्य हुआ तो उन्होंने इसको नष्ट करने का प्रयास किया, परंतु वो इसको नष्ट नहीं कर पाए और पुनः इसकी वैसे ही शुद्धिकरण किया गया। इसके साथ साथ में आज भी हमारा, आपने यहाँ नीचे कुंड देखा होगा, इस कुंड में भगवान शिव का शिवलिंग है। और वो शिवलिंग जब पूर्व हमारे ब्रह्मलीन पूज्यपाद 1008 स्वामी महंत प्रभातपुर जी ने जब इसका सफाई कराया था तो वो लिंग वहाँ निकला था। उसका बहुत पत्र पत्रिकाओं में, संचार मीडिया में बहुत उसका प्रचार हुआ। और उसमें एक विशेषता थी कि दिन भर में कई रंग बदलता था। फिर जब सारा ये हुआ तो सब पूज्य महापुरुषों ने विचार किया कि नहीं, इनको वहीं रख देना चाहिए, तो पुनः उनको वहीं जल में वहाँ कर दिया गया। कहा जाता है कि इस मंदिर में महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने विजय की कामना करते हुए यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र आने वाले भक्तों की इस धार्मिक नगरी में यात्रा का पूरा पुण्य तब तक नहीं मिलता जब तक स्थानेश्वर मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन ना कर ले। यहाँ आने वाले भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए विधिवत अभिषेक कराते हैं। तो ये जो स्थान है, कहते हैं अकामोवा सकामोवा प्रविष्ट स्थानु मंदिरम, कोई कामना से बिना निष्काम भावना से जो भी भगवान के मंदिर में प्रवेश करता है उसके संपूर्ण अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होती है, ऐसा हमारे गुरुओं के द्वारा बताया गया है, हमारे आचार्यों के द्वारा बताया गया है। कहा जाता है कि यहाँ सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी भी आए थे। इस मंदिर के समीप उनकी याद में गुरुद्वारा नवी पातशाही भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि आसपास के तालाब के पानी में उपचारात्मक शक्तियां हैं। इस क्षेत्र के इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक शक्तिशाली राजा राजा बान कुष्ठ रोग के चपेट में आ गया था, जो इस तालाब के पानी में स्नान करने के बाद ठीक हो गया था। तभी से इस तालाब की महत्ता लोक विख्यात हो गई और लोगों के मन में इसके प्रति श्रद्धा भी जाग गई। स्थानीय विद्वान बताते हैं कि ये पहला मंदिर था जहां भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का पहला शिवलिंग रखा था। इसका तात्पर्य ये है कि ये पहला मंदिर था जिसमें भगवान शिव की पूजा की गई थी। ऐसा ही अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत पूरे देश में है, लेकिन हरियाणा में भी ऐसे कई विरासत स्थल हैं जिनको संजोने और संवारने का काम वर्तमान हरियाणा सरकार बहुत सफल रणनीति के साथ कर रही है, और कहीं ना कहीं इसका असर प्रदेश के बढ़ते टूरिज्म के रूप में दिख रहा है। अगली बार आपको इसी शहर के कुछ ऐसी ही धरोहरों की यात्रा करवाएंगे जो हरियाणा के असल हेरिटेज हैं। जय हिंद।